बच्चों प्रॉब्लम 12 देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह रहा है अपन को ओपन पाइप की, तो इसको अपन जनरली एफ नॉट कहते हैं, है ना। और ये कह रहा है बराबर जा रही है थर्ड फ्रीक्वेंसी मतलब थर्ड नंबर का हार्मोनिक किसका, क्लोज पाइप का। तो ओपन और क्लोज में एक रिलेशन वाला प्रॉब्लम है, हम हमेशा इसको प्रैक्टिस करते हैं। और कहता है जो लेंथ है, लेंथ ऑफ क्लोज पाइप वो है बच्चों 20, और लेंथ ऑफ ओपन पाइप कितना होगा वो बताना है अपन को। पहले समझ लेते हैं कि इन दोनों के साथ कैसे समझना है। ये ओपन पाइप है तो इसके लिए एफ नॉट का टर्म होता है वी बाय 2L, और क्लोज का टर्म होता है एफ नॉट का वी बाय 4L। बस इतना ध्यान रहे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। हमें बोल रहा है ओपन और क्लोज को रिलेट करना है, तो पेपर में अपन को ओपन लिखना है और यहाँ पर लिख देना है क्लोज्ड। क्लोज का कौन सा वाला है बच्चों, थर्ड, और ये इसका फंडामेंटल है, मतलब V डिवाइड बाय 2L1 इज इक्वल्स टू थर्ड, मतलब हो जाएगा 3V बाय, ध्यान रखना क्लोज में अपना आंसर आएगा 4L2। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्लोज पाइप को 20 बोला है, मतलब इन दोनों में इसकी टर्म दी हुई है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हो रहा है इससे बच्चों, 1/2L1 इज इक्वल्स टू 3/4, और ये हो रहा है अपना 20, आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर्स में, ठीक है। अब अगर यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, तो L1 का टर्म कितना आएगा, ये हो जाएगा 40/3 विच शुड बी 13.33, और आपका आंसर 4th के आसपास जा रहा है, और वैल्यू इसकी सेंटीमीटर में आएगी। ये हमेशा हम प्रैक्टिस करते हैं बच्चों ओपन क्लोज में, या तो बोल देगा सेकंड वाला या थर्ड वाला फोर्थ वाला, बस इन बेसिक टर्म्स का ध्यान रहे, आंसर कभी गलत नहीं होगा हमारा, ठीक है।